महाभारत के प्रसंग से एक रचना मौका है कि जिस समय युद्ध के दौरान दुर्योधन सरोवर में चला जाता है और भीम ने आवाज लगाई कि दुर्योधन बाहर निकल, इस लड़ाई में बहुत कुछ नष्ट करवाया है, जिसका उत्तरदायी तू खुद है, बाहर निकल। तो किस तरह भीम दुर्योधन को ललकारता है ये सुनेंगे आप उपेंद्र राणा के द्वारा। अरे दुर्योधन बेईमान छिपा किते, नीव नाश की धरके, ये छतरी का धर्म नहीं क्यों भाग्यारण से डर के, भाग्यारण से डर के। ओ दुर्योधन बेईमान छिपा किते, नीव नाश की डर के, ये छतरी का धर्म नहीं क्यों भाग्यारण से डर के, भाग्यारण से डर के। ए छत्राणी गणधारी की तन जग में कोकिल जादी, गिदड़ता कायर बन के रजपूती शान रड़ा दी, रजपूती शान रड़ा दी। ए प्रण पे छत्री मर्या करे तन कुल के स्याई लिया दी, उतरे को ना पाप आज तन धर्म की पेड़ मिटा दी, और धर्म की पेड़ मिटा दी। ओ दुनिया तने खपा दी बैठा नाश कुटम का करके, और ये छतरी का धर्म नहीं क्यों भाग्यारण से डर के, भाग्यारण से डर के। सभा में सबके सामी तारी आब बहू की, तारी आब बहू की। कुटम खपा के बैठा है तू जल में ढाल नहू की, बन के सिंह सजा कर राखी कुंती पुत गहू की, कुंती पुत्र गहू की। ये छतरी का धर्म नहीं क्यों भाग्यारण से डर के, भाग्यारण से डर के। छुपे अन्यायी, आज छुपे अन्यायी। बदले ले लूं आज सारे तुझे साफ साफ बतलाई, मन चाही ना होया करे सदा होती है हार चाही, अरे होती है हार
छतरी का धर्म नहीं क्यों, भाग्यारण से डर के, भाग्यारण से डर के। देखकर तेरी राजधानी को, देखकर तेरे छतरापन को, डर के जान खपावन लाग्या, लानत तुझ दुर्योधन को, लानत तुझ दुर्योधन को। तेरे सामी खड़ा तेरा दुश्मन, मार ले अपने दुश्मन को, हर वीर के बिन भजन जन्म रे, लानत ऐसे जन को, और लानत ऐसे जन को। ओ, सीख लगी मन वीर मदन को, तेर लगेगी हर के, ये छतरी का धर्म नहीं क्यों, भाग्यारण से डर के, भाग्यारण से डर के। छतरी का धर्म नहीं क्यों, भाग्यारण से डरे।